सो गाइस ऑप्टिकल माउस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, और यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर उस माउस का ही उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों के दिमाग में कभी सवाल आया है कि आखिर कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि माउस किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में, कहाँ पर मूव कर रहा है, ये बात उस कंप्यूटर को कैसे पता चलती है? ओवरऑल यदि बात करें तो एक माउस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों आज भी हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आप दोस्तों कंप्यूटर का यूज करते होंगे, माउस का यूज करते ही होंगे, और आखिर वो काम कैसे करता है ये आपको जरूर से जान लेना चाहिए। तो आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं आखिर एक ऑप्टिकल माउस किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने कभी ना कभी ऑप्टिकल माउस को उल्टा करके उसके नीचे की तरफ जरूर से देखा होगा, जहाँ पर दोस्तों आपको रेड कलर की लाइट बीम निकलती हुई दिखाई देती है। ये दोस्तों जो लाइट बीम होती है मेजॉरिटी केसेस में दोस्तों यहाँ पर रेड कलर की ही माउस में पाई जाती है। अब गाइस यहाँ पर जो लाइट बीम निकलती है ये निकलती है माउस के अंदर लगी हुई एक लाइट एमिटिंग डायोड से, मतलब कि एक एलईडी से। ये एलईडी क्या करती है, रेड कलर की लाइट को एमिट करती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये लाइट बढ़ता है आगे और वहां पर दोस्तों लगाया जाता है एक रिफ्लेक्टर, जो कि दोस्तों इस लाइट को जो नीचे सरफेस होती है फ्लैट सरफेस उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करती है। अब दोस्तों ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जाता है सरफेस पर, और सरफेस पर पहुंचने के बाद ये लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर ये जाता है माउस के अंदर ही लगे हुए एक लाइट डिटेक्टिंग सेंसर के ऊपर। ये जो सेंसर है दोस्तों ये यहाँ पर इस लाइट को डिटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीच में लगाया जाता है एक लेंस, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होता है इसको यहाँ पर मैग्नीफाई करता है, और उसके बाद ये दोस्तों उस लाइट डिटेक्टिंग सेंसर के ऊपर जाता है। अब गाइस जैसे हम किसी माउस को मूव करते हैं तो ये जो दोस्तों रिफ्लेक्टिंग लाइट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर चेंज होती है, और वो पड़ते हैं यहाँ पर लाइट डिटेक्टिंग सेंसर के ऊपर, और वो सेंसर दोस्तों यहाँ पर सेंस करता है कि आखिर जो माउस है वो किस एंगल में और किस स्पीड के साथ यहाँ पर मूव हो रहा है, और उसी तरीके से दोस्तों वो वहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स को जनरेट करता है। और गाइस ये जो सिग्नल्स होते हैं जो कि लाइट डिटेक्टिंग सेंसर जनरेट करता है ये जाते हैं माउस के अंदर ही लगे हुए एक प्रोसेसर के ऊपर, और वो दोस्तों प्रोसेसर क्या करता है इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये चले जाते हैं कंप्यूटर तक वाया यूएसबी केबल। गाइस इसके बाद ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये जाते हैं कंप्यूटर के पास, और कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पर इन सिग्नल्स को रीड करता है, और फिर कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आखिर जो माउस है वो किस डायरेक्शन में और किस स्पीड के साथ में मूव हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उसको मूव करता है। सो गाइस ये थी वो कंप्लीट प्रोसेस की आखिर किस तरीके से एक ऑप्टिकल माउस वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि आखिर एक ऑप्टिकल माउस किस तरीके से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से कुछ कर दीजिए, सारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूं दोस्तों मैं अगली वीडियो के लिए, बाय बाय।